दोस्तों बरसात के मौसम में जो सब्जियां होती हैं बेल वाली, जैसे तुरई, लौकी, खीरा या करेला, ये आप अगर अभी से लगाएंगे, इस समय जो मौसम चल रहा है इस समय ग्रो हो जाएंगी। आप अगर आप इसको इस समय लगाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जो बहुत सरल विधि है, जिससे कि आप का जो बीज है जल्दी जर्मिनेट होगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बरसात के मौसम के जो सब्जियां होती हैं, अगर आप अभी से लगा देंगे तो आप उससे बरसात में ही जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस विधि से मैंने लगाए हैं उसके बाद देखिए कितनी जर्मिनेट हो गई हैं, कितने अच्छे से। अब इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा मैं। कुछ पौधे मैंने ट्रांसप्लांट कर भी दिए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं, ग्रोथ इनकी अच्छी हो रही है। अगर आप भी उस विधि से लगाएंगे तो आपके पौधे भी जल्दी जर्मिनेट होंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले जो आप बीज लेते हैं वो अच्छी वैरायटी का लें। कोई भी आप फर्टिलाइज़र की दुकान से अगर बीज लेते हैं तो उसमें देख लेना, आप एक्सपायरी डेट का बीज ना लें, और जो नया ताज़ा बीज होगा वही लें, और वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आप जो बीज होते हैं जैसे करेला, लौकी, तुरई, उनको आप एक दिन के लिए पानी में भिगा के रखिए, 24 घंटे करीब पानी में उनको भिगा के रखिए, जिससे कि वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। उसके लिए आप जो बीज होते हैं उनको आप देखिए, जैसे कोई एक बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स कोई सा भी प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप बीज जो भिगाए हैं 24 घंटे, उनको एक टिश्यू पेपर में रख दीजिए। एक टिश्यू पेपर नीचे से रखे रहेंगे और एक टिश्यू पेपर ऊपर से उसमें ढक देंगे, हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे। ये देखिए मैंने जो बीज लगाए थे कितने अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ जो बीज अंकुरित हुए हैं ऊपर को भी आ गए हैं टिश्यू पेपर से। और देखिए ये रिजल्ट है, 5 से 6 दिन का रिजल्ट है, 5 से 6 दिन के अंदर आपके सभी बीज ग्रो हो जाएंगे। ये विधि बहुत ईजी है। इसके बाद जब आप बीज इसको टिश्यू पेपर में लगाते हैं, उसके बाद हल्का पानी छिड़क के आप इसमें एक पन्नी या कोई चीज़ से आप इसको एयर टाइट कर दीजिए, या एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए, उसमें भी हो जाएगा। मैंने पन्नी ली थी एयर टाइट बॉक्स बनाने के लिए। इसको आप किसी चीज़ से बांध दीजिए और 6-7 दिन के लिए इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। 6-7 दिन बाद देखेंगे आपके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे इस तरीके से। इसमें कुछ लौकी के हैं, कुछ करेले के हैं, कुछ तुरई है, तो आप भी इस तरीके से आप बीज लगा सकते हैं। अब इनको क्या करना है, आपने जब ये बीज अंकुरित हो जाए 6-7 दिन बाद, आप उनको आप जैसे मैंने डिस्पोजल ग्लास ले रखे, आप भी कोई डिस्पोजल ग्लास ले लीजिए, उसमें गार्डन सॉइल मिला दीजिए। गार्डन सॉइल में कोई अगर खाद नहीं भी है तब भी चल जाएगा, क्योंकि बीज तो अंकुरित होने के लिए कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बाद में जब पौधा जब तैयार हो जाता है उसके बाद उसको खाद की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरीके से डिस्पोजल को मिट्टी से भर दीजिए। उसके बाद जो भी बीज आपने लगाए हैं, जैसे कोई तुरई या लौकी या कोई भी बीज आपका लगाना चाहते हैं, उसको इस तरीके से ले लीजिए। देखिए जैसे मैंने ये बीज लिया है, ये तुरई का बीज है, इसको आप ऐसे रख दीजिए, जो अंकुरित वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ को होना चाहिए, और इसमें हल्की सी मिट्टी की परत डाल दीजिए। इस तरीके से लगाएंगे तो आपका बीज जल्दी अंकुरित होगा, और इसमें पानी का छिड़काव कर दीजिए। जब भी आपको मिट्टी सूखी लगे तो आप पानी का छिड़काव कर दीजिए, 2-3 दिन के अंदर आपका पौधा जो है मिट्टी से ऊपर आ जाएगा अंकुरित होकर। और आपका ये 10 दिन बाद ये पौधे देखिए, मेरे जो मैंने लगाए थे 10 दिन बाद उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी, और इसमें जड़ें भी बन जाएंगी। इस तरीके से आप लगाएंगे घर पर, और इसको आप बड़े ग्रो बैग में, जैसे 24x24 का कोई ग्रो बैग होता है, या आप किसी चीज़ में लगा रहे हैं, ड्रम में लगा रहे हैं, ड्रम में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ग्रो बैग ले रखा 24x24 का, इसमें 2 लौकी के जो पौधे हैं ये लगा रखे। देखिए इनको 5 दिन हो गए हैं, और देखिए इसमें अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जब भी आप ट्रांसप्लांट करेंगे अपने पौधे तो शाम के समय करिए, क्योंकि इस समय तेज़ धूप पड़ रही है, तो आप अगर सुबह के या दिन के समय अगर पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो मर भी सकता है। तो आप शाम के समय करेंगे तो और उसको छाया वाली जगह में अगर रखेंगे, देखिए मैंने जैसे पौधा लगा रखा है इसमें थोड़ी सी छाया है, तो उसकी वजह से अच्छी ग्रो हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लौकी या करेले या तुरई के बीज अभी लगा लेंगे तो आप बरसात के बाद उसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं।